कोविड-19 से जंग में सिविल डिफेंस एक अहम भूमिका निभा रहा है एवं शहर की अनेक संस्थाएं भी सिविल डिफेंस के नेतृत्व में समाज सेवा में जुटी है। इन्हीं में से एक नाम है अक्षर फाउंडेशन। इस संस्था ने बुधवार को सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के साथ अनेक झुग्गियों में राशन वितरित किया। इस दौरान संस्था के संस्थापक समीक्षा ठाकुर ने झुग्गियों में जाकर लोगों को हाथ धोने के साथ साथ स्वच्छता के अनेक गुर भी बताए ताकि सभी मिलकर कोरोना जैसी महामारी को हरा सकें। इस दौरान सिविल डिफेंस की ओर से डिप्टी कंट्रोलर की जिम्मेदारी निभा रहे तहसीलदार मनीष कुमार यादव की टीम से भारत भूषण राघव, ऋतिक आनंद, जतिन कुमार, गोविंद यादव व अनेक स्वयं सेवक उपस्थित रहे। मेरा नाम समीक्षा ठाकुर है। मैं अक्षर फाउंडेशन NGO से हूँ जो गुड़गांव में है और ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए काम करता है। यहाँ पर हम लोग अभी राशन बांटते हैं। जो एक पैकेट राशन होता है वो एक फैमिली जो 5 लोगों के लिए होती है उनको 10 दिन के लिए सफिशिएंट होता है, उतना राशन हम बांटते हैं। तो मुझे कंपनीज़, मतलब जैसे कि मेरा NGO है तो कंपनीज़ डोनेट करती है। अभी जैसे HFS ब्यूटी चैनल है उसके थ्रू आया है डोनेशंस और उसके थ्रू हमने अभी तक के अक्षर फाउंडेशन के थ्रू 900 से प्लस फैमिली को सपोर्ट कर चुका है, मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसमें सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि सिविल डिफेंस ही वो संस्था है जो वैलिडेट करती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमें वैलिडेट करें कि सही लोगों तक राशन पहुंच रहा है, क्योंकि हमने नोटिस किया है जैसे कॉल सेंटर की तरफ भी से पता चलता है कि बहुत सारे फेक कॉल्स भी आते हैं। तो आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि सही लोगों तक राशन पहुंचे। उसके लिए सिविल डिफेंस और गुड़गांव पुलिस इसमें हमारी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। कोरोना के लिए, जैसे कोरोना बीमारी फैली है तो इसमें साथ साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जब तक अवेयरनेस नहीं करेंगे इन लोगों के लिए, जब तक ये नहीं पता इनको तो अभी एक हवा लग रहा है ये बीमारी, जब तक इनको ये नहीं पता होगा ये बीमारी फैलती कैसे है, क्या दिक्कतें हैं, तब तक कि ये लोग इससे बच नहीं सकते। तो इसके लिए हम इनको हैंड वॉशिंग के लिए अवेयरनेस कराते हैं। 1950 जो सिविल डिफेंस का कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं। साथ साथ जो औरतें होती हैं तो उनको हम सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना एक बीमारी है लेकिन और भी अगर गंदगी फैलेगी तो उससे और चांसेस है। तो इसलिए सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी हमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं, साथ साथ सैनिटरी नैपकिन फ्री दे रहे हैं। बस यही बोलना चाहूँगी कि आप स्वच्छता से रहें, घरों में रहें ताकि आप स्वस्थ रहें। सर एक्चुअली हमारे पास DC साहब से 1950 से भी 1950 एक कॉल है जिससे हम राशन और फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनसे एक लिस्ट आती है उसके थ्रू हम मैपिंग कराते हैं। फर्स्टली हमने पहले पूरे कोरोना से पहले जब लग रहा था कि कोरोना इतना ज़्यादा फैलेगा उससे पहले ही सिविल डिफेंस गुड़गांव ने और गुड़गांव पुलिस ने मिल के पूरे गुड़गांव की मैपिंग की थी, कितने स्लम है हमारे पास, किससे गुड़गांव को 4 जोन में डिवाइड किया गया था। 4 जोन में डिवाइड करने के बाद हमने इसमें मैपिंग की थी कि Zone 1 को ये मिस्टर जयप्रकाश राघव जी देखेंगे, Zone 2 को मिस्टर दीपेंद्र जी देखेंगे, Zone 3 को मिस्टर अमित मित्तल जी देखेंगे, Zone 4 को मिस्टर राजवीर जी देख रहे हैं। तो जो भी जोन हेड होता है वही मैपिंग कराता है कि अपने वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे हमारे 500 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं जो डेली वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर गुड़गांव। मतलब हम सोना भी कवर कर रहे हैं, हयातपुर तक भी जाते हैं, वजीरपुर, जहां से भी हमें कॉल्स आती हैं। या हमारा स्लम है, ये हमारा 3rd राउंड है जो हम रिपीटेड अपना राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुक फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमारा एक दिन में 26,000 के लमसम कुक फूड हम डोनेट कर रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि हम कुक फूड को थोड़ा कम करके, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, और राशन पहुँचा रहे हैं। सर हमारी टीम पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, हमने पहले ही सोच लिया है कि एक नौबत अभी जो सिचुएशन दिख रही है इस हिसाब से Lockdown 3 आना ही आना है। अगर नहीं भी आएगा तो बट उस टाइम में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इस मंथ किसी ने काम किया नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज सैलरी देंगी कुछ नहीं देंगी, तो कुछ को हमें फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा या राशन देना पड़ेगा, वो हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे और उसके लिए हमने स्टॉक भी ऑलरेडी अपने पास ले रखा है।